जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मित्रा में। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और सुविधा कर्मियों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आप कहीं कोई सी राज्य के बिलोंग करने वाले हो भारत के, तो हम संविदा कर्मी से संबंधित छोटी या बड़ी कोई भी न्यूज होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आऊँ। संविदा कर्मी अगर आप हो तो ये आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने मांगी है जानकारी। तो दोस्तों, मैं कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो भी लेकर के आया हूँ, और कौन सा आपको फॉर्म भरना है और सरकार ने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी, सारी इस डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी अस्थायी नहीं हो सकता, पहले जो कोर्ट का फैसला है ये कटिंग हम पढ़ लेते हैं। जयपुर की एक खबर है, अस्थायी कर्मचारियों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य आदेश जारी किया है। माननीय न्यायालय ने का कहना है कि यदि सरकार ने उसे वेतन दिया है तो उसका कर्मचारी हुआ, संविदा का कोई दूसरा नाम देकर उसे अस्थायी करार नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, बताना चाहूँगा, डिटेल अभी करंट का है, फरवरी लास्ट में डिटेल मांगा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यदि यह आदेश अपनाते हुए चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश में केवल संविदा लिख देने से अस्थायी नहीं हो जाता, ऐसे कर्मचारियों को प्रति माह फिक्स सैलरी देना और उसकी सेवाओं को नियमित नहीं करना असंवैधानिक ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्नाटक बनाम उमा देवी मामले की भी मतलब ये पालन नहीं करता है, ये सरकार के लिए ओब्लिगेशन है। तो दोस्तों, ये था खबर, आप देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मांगा है। दोस्तों, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री गंगानगर का ये खबर है, 27 फरवरी का ये है, आप देख सकते हो। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारंभिक श्रेणी गंगानगर, तो आप पूरा डिटेल देख सकते हो। विषय क्या है, समस्त संविदा कर्मियों के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि संविदा कर्मियों को हम पक्का करेंगे, तो सभी डिटेल सबकी धीरे धीरे मांगी जा रही है, उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। तो देखते हैं पूरा खबर, पहले क्या आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कहाँ पे देनी है, कहाँ पे भिजवानी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरी है, और अगर आप नहीं दिया आपने तो जल्दी से आप जाकर के जहाँ भी आप अटैच हो, जहाँ भी आप पंचायत स्कूल कहीं पर भी संविदा कर्मी हो, तो आप जाकर के वहाँ ये फॉर्म ये सारी डिटेल मैं बता रहा हूँ ये जरूर दे दीजिएगा। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रशासनिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि श्रीमान अति निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित समसंख्यक पत्र दिनांक 1/2/2019 के द्वारा संविदा पर नियुक्ति कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है, जो खेदजनक है। इस संबंध में शासक से स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे हैं, अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में सूचना आज ही इस कार्यालय को एक प्रति श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल 6 बीकानेर को ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है, और ये सुनिश्चित भी करना है कि ईमेल उनके पास में पहुंची या न पहुंची। तो क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, पहले आपका क्या विभाग का नाम है वो आपको बताना है, आपका कौन सा पद का नाम, और आपके संविदा कर्मियों की जो जहाँ पे आप जॉब करते हो वही अटैच हो वही भेजेगा, उनके लिए संविदा कर्मी की कितनी संख्या है, वहाँ टोटल कितने संविदा कर्मी है, वो संविदा कर्मी रखे जाने की किस से मतलब किस डेट से आप संविदा कर्मी के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हो, क्या नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध की गई है या नहीं, उसका विवरण भी देना है। नियुक्ति किसी विशेष परियोजना संपूर्ण विवरण, परियोजना के नाम, परियोजना की अवधि कब से कब तक है, वो सारा आपको देना है। परियोजना केंद्रित प्रेषित अथवा राज्य प्रेषित है तो किसके प्रेषित लगे हुए केंद्रीय राज्य, वो भी इन्फॉर्मेशन देनी है। संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले परिश्रमिक आपको कितना रुपया दिया जाता है उसका इन्फॉर्मेशन भी मांगा है। न्यायालयों में विचाराधीन निर्णय संविदा संबंधी मामलों का ब्यौरा भी देना है, अगर न्यायालय में कोई विचाराधीन है उनका भी विवरण देना है, और संविदा कर्मियों के संबंध में अन्य विशेष प्रकरणों का विवरण भी देना है। तो उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें, तो ये इन्फॉर्मेशन है, जगह जगह मांगी जा रही है, बीकानेर से भी ये सेम इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, समस्त संविदा कर्मियों के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी बोली है, तो मैंने आपको दिखा दिया है ये। अगर आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है
तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा सारी जानकारी, जिससे आपकी जानकारी गवर्नमेंट के पास पहुंच सके और वो कोई एक्शन ले सके आपको स्थायी करण से लेकर के। तो दोस्तों संविदा कर्मी से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज आती है मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा, खासकर राजस्थान की तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। कहीं से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके लिए बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में क्या हो सकता है, क्या अभी हो रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने भाई दोस्त संविदा कर्मी जो भी है उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।